तो मुझे लग रहा था कि गीता का गूढ़ रहस्य इतनी सरल भाषा में पेश किया जा सकता है, ये इससे पहले सोचा नहीं था, मगर ये कारनामा अनवर साहब ने कर दिखाया। और मुझे तो लगता है कि बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तानी जबान में हम आप एक दूसरे के जज्बात को समझने की कोशिश करते हैं, अब वो मौका आ गया है कि गीता के गूढ़ दर्शन को भी हम लोग इस किताब के हवाले से समझ पाएंगे। मुबारकबाद मंजर साहब को, एक बार फिर से अनवर साहब को, और अब इस रूहानी संगम की रूह की तरफ गामजन हों, रूह की तरफ बढ़ें, यानी जिस निमित्त हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो है लोकार्पण समारोह। उर्दू शायरी में गीता इस शीर्षक के तहत जो किताब की रचना की है, जो मंजूम तर्जुमा किया है अनवर साहब, मैं इसे दरख्वास्त कर रहा हूँ हर्षवर्धन जी से कि वो सभी अतिथियों और अनवर साहब के साथ मुख्यमंत्री महोदय, बापू जी, नीरज जी, वो इस पुस्तक को लोकार्पित करेंगे। मैं जैसा पहले मैं अर्ज कर रहा था कि ऐसे ही पुस्तकों का लोकार्पण होना चाहिए, विमोचन होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी मानवता के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है, पूरी मानवता की रक्षा के लिए दिल से दिल को मिलाने वाली बात। अनवर साहब गीता का भावानुवाद करें, मंजर उपाली साहब को पेश करें, और बापू जी, अखिलेश जी, अहमद हसन साहब, नीरज जी, ये सब हस्तियाँ विभूतियाँ इसको लोकार्पित करें। अब मैं चाहता हूँ कि ये अजीब और गरीब ख्याल मैं कहूँगा कि